सामाजिक विज्ञान में मुद्रा एवं साख के बारे में आपको पढ़ाया था, आज हम देखेंगे प्रश्न उत्तर कि हम प्रश्न उत्तर में क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब जिससे हम ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, वो किस तरह से हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है उसके बारे में है। जैसे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में गतिविधि में बहुत से छोटे बहुत से सौदे करते हैं जिसमें किसी न किसी रूप में हम ऋण का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी बहुत सारी चीजें मुख्य मांग फसल उगाने के लिए, जब वो किसान खेती करने जाते हैं तो उस समय फसल नगद फसल के लिए पैसे, बीज के लिए पैसे चाहिए, खाद के लिए पैसे चाहिए, तो वहाँ पर जब वह उधार लेते हैं तो उनके लिए वह जो है कुछ हिस्सा जो होता है बेचने के लिए वह मजबूर हो जाते हैं जो जमीन होता है उसको बेचने के लिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उनकी जो कमाई है बढ़ने की बजाय उनकी स्थितियाँ जो है बद से बदतर होती चली जाती है, मतलब उनकी परिस्थितियों का वो फायदा उठा के उनके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। तो देखेंगे मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। मुद्रा दोहरे संयोग की समस्या को इसलिए सुलझाती है क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, पहले वस्तुओं के आदान प्रदान में और फिर दोहरे संयोग की स्थिति उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम उस वस्तु को बेच देंगे उसके बदले में हमें मुद्रा मिलेगी और मुद्रा मिलने से हम अपनी आवश्यकता की चीज को आसानी से खरीद सकते हैं। फिर देखेंगे मुद्रा वाले लोगों की जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम मध्यस्थता स्थापित करते हैं जिसमें कि व्यक्ति क्या करता है, अपने नाम से खाता खोलकर वहाँ पर पैसे जमा कर देता है। जिसके पास अतिरिक्त मुद्रा है वह क्या करेगा, बैंक में पैसे जमा कर देगा और जिसको पैसे की आवश्यकता है उसको बैंक जो है ऋण के रूप में उसे पैसे देकर उसकी मदद कर देता है। इस तरह से इन दोनों के बीच जो है बैंक मध्यस्थता का कार्य करती है। यहाँ हम देखेंगे 10 रुपए के नोट को देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है क्या लिखा होता है, हम देखेंगे कि यहाँ पर 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से ये नोट जारी करता है जिसमें कानून के आधार पर व्यक्ति जो संस्था के प्रमुख जारी करने की इजाजत, मतलब दूसरा जो है संस्था के प्रमुख होता है उसको जारी करने की इजाजत नहीं होती है। फिर देखेंगे हमें भारत में ऋण की औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। जो ऋण के औपचारिक स्रोत है उसको बढ़ाने के लिए सहकारी समिति है और दूसरी और समितियां हैं, जो छोटी छोटी समितियां होती हैं वह अपना सामूहिक रूप से भी समिति बनाकर वह लोगों की कर्ज देकर मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है। जो स्व सहायता समूह संगठनों के पीछे ये होता है कि जो साहूकार होते हैं तो उन लोग पैसे के अधिक ब्याज लेते हैं और लेकिन यहाँ पर क्या होता है सामूहिक संगठन या फिर स्व सहायता समूह होने के कारण उनको तुरंत पैसे मिल जाते हैं और अपना उपयोग करने के बाद उस पैसे को थोड़ा कम से कम ब्याज में उसको वापस कर देते हैं। इस तरह से गांव की पुरुष और महिलाएं जो है स्वावलंबी भी बन जाते हैं और उनका एक समूह होने के कारण, एक ग्रुप होने के कारण वह बैठक के जरिए उनके माध्यम से वह निर्णय भी लेते हैं और सारे निर्णय वह स्वयं ही लेते हैं। फिर याद है क्या कारण है कि बैंक के कुछ कर्जदार को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। बैंक कुछ कर्जदार कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते कि कर्जदार जो है ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं और उसके ब्याज दर, संपत्ति, कागजात, मांग, भुगतान के तरीके जो होते हैं वह सबको मिलाकर ऋण के शर्तें जो होती है उसको पूरी नहीं होने के कारण वे ऋण देने से मना कर देते हैं। फिर देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधि किस तरह से नजर रखता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है और साथ ही साथ वह भारतीय रिजर्व बैंक यह भी देखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं या फिर बैंक केवल लाभ बनाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ऋण देने मुहैया नहीं करा रहे हैं। ये सारी चीजों में उनको नजर रखनी पड़ती है। फिर देखेंगे विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण क्या है, मतलब जो ऋण होती है विकास के समय में ऋण की भूमिका क्या है। तो यहाँ पर विकास के समय ऋण की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसको आवश्यकता है विकास करना है तो वह ऋण के रूप में बैंक से पैसे ले लेगा और उसे विकास में खर्च करेगा और फिर जो पैसे आएंगे तो उसको वापस करके अपने ऋण को खत्म कर सकता है और समय समय पर उत्पादन करने में भी वह मदद करता है और साथ ही साथ इसके जरिए क्या होता है व्यक्ति जो है अपनी कमाई को भी बढ़ा सकता है। मानव एक छोटा सा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत होती है, मानव किस आधार पर निश्चित करेगा कि वह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से। अब इसके लिए मानव जो है एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके लिए जो है उसे दोनों ऋण स्थितियां जो है उसकी तुलना करनी होगी कि साहूकार से ऋण लेने पर हमको अधिक ब्याज की दर देना होगा लेकिन बैंक से लेने पर हमको ब्याज की दर जो है कम देनी होगी और उस
में 80% किसान जो है छोटे किसान हैं जिनको खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे किसानों को ऋण ऋण लेने से छोटे छोटे किसान जो है ऋण देने से क्यों हिचकिचाते हैं, कि छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं, उदाहरण देकर हम समझाएंगे। तो इसमें छोटे किसानों को ऋण देने के लिए जो हिचकिचाते हैं क्योंकि छोटे किसान ऋण की शर्तों को पूरी नहीं कर पाते हैं। फिर यहाँ देखेंगे छोटे किसान आमतौर पर साहूकारों से कर्ज लेते हैं क्योंकि साहूकार बिना ऋण भार के वह कर्ज दे देते हैं किंतु ब्याज दरें वे अधिक लेते हैं। फिर यहाँ देखेंगे ऋण की शर्तें जो छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं और ब्याज दर संपत्ति और कागजात की मांग भुगतान आदि तरीके के कारण जो है वह बैंक की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, उससे कागजात देने पड़ेंगे और उसके वेतन संपत्ति आदि के रिकॉर्ड दिखाते हैं, तब किसान के पास ये चीजें नहीं होती है। फिर हम देखेंगे छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके लिए सहकारी समितियों की स्थापना की गई है और साथ ही साथ जो स्व सहायता समूह है इसके माध्यम से हम उनको सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर खाली स्थान है जिसमें कि ग्रामीण जो है परिवारों के ऋण के अधिकांश जरूरतें औपचारिक रूप से पूरी कर सकते हैं। फिर देखेंगे ऋण जो है वह ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती, मतलब ऋण फंदा जो है वह ऋण की लागत को बढ़ाती। फिर भारतीय रिजर्व बैंक है, यह केंद्र सरकार की करेंसी नोट जारी करता है। फिर उसी तरह से जमा बैंक जो है जमा देने वाले को ब्याज से ऋण प्राप्त करता है। फिर ऋणधारा है, इस तरह से सही उत्तर का चयन हम यहाँ करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। फिर उसी तरह से ये दिया हुआ नीचे की तालिका में विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय दिखाती है कुछ देशों के लिए जरूरत हो सकती है। तो इसमें हम देखेंगे निर्माण मजदूर है, ये जो है ये ऋण लेने के कारण है। तो किस तरह से निर्माण मजदूर है, कंप्यूटर शिक्षित है, सहकारी से, ये अपने किस लिए जरूरत है उसके लिए हम ऋण ले सकते हैं। यहाँ पर निर्माण मजदूर क्यों लेगा, क्योंकि उसको आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति करनी है। अब कंप्यूटर शिक्षित जो है कंप्यूटर खरीद कर अपना व्यवसाय चालू कर सकता है। फिर इस तरह से नियोजित व्यक्ति, मतलब इस तरह से व्यक्ति जो है अपने कार्य के लिए कर्ज ले सकता है। फिर यहाँ देखेंगे कि बैंक के कर्ज मिलने के आधार पर किस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षित है, छोटा व्यापारी है, रिक्शा चालक है, निर्माण मजदूर है, इनको हम किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लोग बैंक कर्ज वापस कर सकते हैं और ऋण मिलने की संभावना होती है, और जो ऋण वापस नहीं कर सकते हैं उनको ऋण मिलने की संभावना नहीं होती है, इसी तरह से हम इनको अलग कर सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि जो है बैंक से हम ऋण और मुद्रा की साथ की जो व्यवस्था होती है हम किस तरह से उसको बैंक से या स्व सहायता की मदद से हम उस मुद्रा को हम उपयोग कर सकते हैं और बैंक से हम विश्वास जो है उसको हम जारी रख सकते हैं।